ओके तो दोस्तों क्या हाल है, वेलकम टू बैक टू वेलकम गलत सीन से भरे पड़े पबजी मोबाइल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम उतरते हैं मेंशन। दोस्तों मेंशन में तो कोई बंदे आजकल आते नहीं, सब कैम्प कूम करके बैठ जाते हैं। और भाई ऐसे ऐसे बंदे हैं कि जो हैवी कैम्प करते हैं और सीधा जो लाज झोने उसके अंदर निकल जाते। तो दोस्तों बिना किल करके भी ऐसे ऐसे बंदे हैं जो लास्ट जोन के अंदर निकल जाते। तो दोस्तों यहाँ पे फिलहाल मुझे एक बंदा दिख जाता है और मेरे पास जो भी है P92 वो देख के उसको पेल देता हूँ। यहाँ पे जो भी है आद मारा था उसको पेल दिया। तो दोस्तों यहाँ पे गन ढूंढनी है सबसे पहले, तो हम लोग यहाँ पे घरों में निकल जाते हैं गन बिन ढूंढने जाते। तो यहाँ पे मुझे यूजी मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे यूजी से कुछ बनेगा नहीं क्योंकि AR गन तो चाहिए थी। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है। आगे एक बंदा मुझे यहाँ पे चलने की आवाज़ आती है, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ और उस पर देखता हूँ कहाँ पे, और यहाँ पे दिख जाता है वो और यहाँ से कूद के उसे यहाँ पे भर देता हूँ। तो दोस्तों इसकी पेटी बनाने के बाद क्या मिलता है क्या नहीं इसके बाद देख लेता हूँ, क्योंकि बंदा पेला है ठीला है तो उसको लूटना ज़रूरी है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ खास नहीं लूट थी, जो भी लूट थी चुटल पुटल ले ली थी, गोला बारूद भी नहीं मिला था। तो दोस्तों हम लोग जोन के अंदर सर्कल के अंदर जाते हैं और देखो दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे उतर जाते हैं और सामने प्लेयर चली रहती है, तो वहाँ पे बहुत सारे बंदे आ रहे थे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते कि यहाँ पे TPP लेके वो बंदे दिखते कि नहीं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे उतर जाते और यहाँ पे देखते, लेकिन दोस्तों एक बेकार चीज़ होती है हमारे साथ कि मेरे पास Kar-98 रहती है, लेकिन Kar-98 के ऊपर लगाने के लिए कद्दू स्कोप नहीं मिला रहता है। तो दोस्तों स्कोप के नाम पे कद्दू कुछ नहीं रहता है, तो यहाँ पे रुकने का भी मतलब नहीं रहता है। तो एक से बंदा कितना दिखेगा, क्या दिखेगा, उसका मुंडी भी नहीं दिखेगा, हेलमेट भी नहीं दिखेगा। तो दोस्तों आखिरकार चलो जोन तो सर्कल तो आ जाता है और हम लोग अगले मिशन की तरफ निकल जाते। तो दोस्तों इतने बंदे ढूंढने के बाद एक बंदा भी नहीं दिखता है। आखिरकार सामने जो घर रहते हम लोग यहाँ पे रेड मारते, क्योंकि घरों में आखिरकार बंदे तो रहते हमेशा। तो हम लोग यहाँ पे देखते है कि नहीं, और सामने मुझे एक गाड़ी दिखती है, तो यहाँ पे ज़रूर लगता है कि यहाँ पे बंदे। तो दोस्तों ऐसे बंदे हैं जो कैंपिंग करके अपनी रेटिंग बढ़ा रहे। तो एक बंदा हमारी आवाज़ देख के सुन के बाहर आ जाता है और उसको मैं यहाँ पे ठिला देता हूँ और आदमरा कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा टीममेट भी और एक को नॉक कर देता है और मुझे दो बंदा है कि नहीं मैं उसको नहीं मार पाता क्योंकि मुझे लगा और एक बंदा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तीन ही बंदे रहते हैं। लेकिन वो दूसरे बंदे के चक्कर में उसको छोड़ देता हूँ क्योंकि दोस्तों हम लोग दो थे तो हम लोग दोनों को भी कोई फेल देते थे इधर, इसके लिए इसका किल मेरा टीममेट चुरा लेता है और ये बंदा मेरे से चुक जाता है। तो दोस्तों ठीक है कोई बात नहीं, मारा है तो मेरे टीममेट ने मारा है, आखिरकार हम लोग उनको पेले हैं तो उनकी लूट ले लेते। तो दोस्तों पेले हैं तीन तीन बंदे पेला है तो लूट लेना ज़रूरी है, क्योंकि आखिरकार ग्रेनेड जो फॉग बैग स्मोक बैग लेना ज़रूरी है क्योंकि लास्ट सर्कल में वही उसका कवर लेना काफ़ी सही बनता है। तो दोस्तों उतने में हम लूटते हैं तो कैसे बंदों को हम लोग दिखते क्या मालूम, हम लोग दिखते और हम लोग के ऊपर फायरिंग करते वो लोग, और हम लोग को कद्दू भी नहीं दिखता है, उन लोग का कद्दू भी हेलमेट कुछ भी नहीं दिखता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे सोचते यार यहाँ पे रुकने का मतलब नहीं है क्योंकि वो लोग को हम दिख रहे हैं और हमको वो लोग नहीं दिखते, तो मतलब ही नहीं है रुक के, क्या मतलब है रुक के, क्योंकि दोस्तों वो लोग दिखते थे कम से कम तो हम लोग फाइट लेना ज़रूर चाह सकते थे, लेकिन वो लोग हमें दिखते नहीं। तो दोस्तों हम लोग सोचते चलो भाई पहाड़ के ऊपर से देखते, पहाड़ के ऊपर जाते और ऊपर से देखते कुछ बंदा कहाँ से है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं गाड़ी लेके जो 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 है पहाड़ है जो पोचिंकी के सामने है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे रुकते ज़रा देखते कोई सांप भी बना के डसने लेवे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे रुकते तो सामने फायरिंग चली रहती है, धड़धड़ गोली की आवाज़ आती रहती है। तो दोस्तों देखते क्या होता है। दोस्तों सामने से फायरिंग की आवाज़ होती है और उतने में एक गाड़ी आ जाती है, तो हम लोग सोचते हैं यार यहाँ पे लेट जावे क्योंकि बंदा ऊपर आके आके सामने जो जिधर फायरिंग होती है उधर लड़ जावे, लेकिन दोस्तों वो नीचे रुक के वो लोग दूसरे स्क्वाड से लड़ जाते भीड़ जाते और हम लोग को मौका मिल जाता है कि उन लोग के ऊपर रश करने का, क्योंकि दोस्तों हम दो थे और सामने वाले चार थे, दो बंदे तो हमारे साथ चीटिंग करके लॉबी में वो वापस जा चुके थे। तो दोस्तों खैर हम दो थे तो हम लोग को उन लोग से लड़ना ज़रूरी था,
और उनकी पेटी बना के उनको लॉबी में भेजना जरूरी था। तो दोस्तों मैं फ्लाइंग करके यहाँ से आगे आ जाता और मेरा दोस्त एक को उड़ा देते। दोस्तों मेरे दोस्त ने ग्रेनेड फेंक के जो जोकर बुकर है उसको उड़ा दिया और दोस्तों और उसकी किल चोरी कर ली, जो भी है किल किया, किल कर लिया। दोस्तों वो बंदा भी अच्छा खेल रहा था, ये मेरी किल चोरी कर रहा था, मुझे भी दिखाना था भाई मैं भी खेल सकता हूँ। तो बस एक बंदा ना जाने बंदर जैसा उछल के किधर से आ जाता है और वैसे उछल उछल के मैं तो यहाँ पे डैमेज दे देता हूँ भाई, कितना लंबा लंबा उछला हो आप देखना। दोस्तों बंदर जैसी हरकतें कर रहा था वो बंदा, लेकिन उसको पेटी बनानी थी। दोस्तों कौन भी कहाँ पे कद्दू है, कहाँ पे कद्दू खड़ा है मुझे कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन इसकी पेटी ज़रूर बनानी है। तो मैं पूरा थाई पैड बांध के निकल जाता हूँ इसकी पेटी बनाने। तो दोस्तों देखो क्या होता है, दोस्तों इतने में ये बंदा उछल के मेरे सामने से आ जाता है और मैं उसको ढेर पे पकड़ लेता हूँ और उसकी पेटी बना देता हूँ। और इसकी पेटी बनाने के बाद दोस्तों उसका और एक बंदा रहता है और वो बंदा कहाँ मालूम कहाँ रहता है वो नहीं मालूम रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे टीममेट ज़्यादा उछल जाता है और मैं यहाँ से उसको घेर लेता हूँ और उसके खोपड़ी पे गोली के 4 बुलेट फेंक देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, लेकिन इसकी किल उड़ा देता हूँ इसको किल, क्योंकि दोस्तों किल चोरी आजकल बहुत हो रहे हैं, क्योंकि दूसरा बंदा अपनी किल चोरी कर लेता है बहुत बुरा लगता है। पेटी भी बना देते हैं अपन, पेटी भी कोई चोरी करता है इतने में बहुत बुरा लगता है। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग को बहुत सारा बुरा लगता है, क्योंकि भाई पेटी भी हम बनाए दूसरे लूटे, क्या मतलब है भाई। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी किल करने के बाद तो हम लोग सोचते हैं भाई जोन में जाना ज़रूरी है, क्योंकि जोन के अंदर भी कौन कहाँ बैठे मालूम नहीं होता है, क्योंकि ये सर्कल भी एकदम गलत जगह पे होता है। ये पहाड़ी इलाके में मज़ा नहीं आता खेलने में दोस्तों, क्योंकि बंदा कद्दू बंदे का कुछ भी दिखता नहीं है, सादा कपड़ा भी दिखता नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग, यहाँ पे मुझे गाड़ी दिख जाती है, लेकिन दोस्तों गाड़ी में जाके कुछ बात मालूम पड़ जाती है। दोस्तों मैं जैसे गाड़ी में बैठता हूँ उतने में फ्यूल का वो निशान दिख जाता है, उतने में मेरे मुंह से गाली निकल जाती है। यार क्या करें, जोन के अंदर जाना था लेकिन ये गाड़ी लोग ने क्यों रोकी थी, क्योंकि उनका फ्यूल ही ख़त्म हो गया था। शायद ये बंदे हम लोग ना पकड़ते क्योंकि उन लोग का फ्यूल नहीं ख़त्म हो गया था। दोस्तों यहाँ पे ऊपर आके मैं इसको पकड़ लेता हूँ, क्योंकि बंदा अच्छे से स्नैपिंग करके नीचे वाले को पेटी कर रहा था। दोस्तों यहाँ पे वो मुझे लगता है कि इसको पेलना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये बंदा सामने वाले को मार रहा था, अपना ही हेल्प कर रहा था, लेकिन दोस्तों इसको मैं पेटी बना दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, बंदा है पेटी तो बनाना ज़रूरी है। तो दोस्तों जोन भी आता है, जोन भी हम लोग के पीछे पड़ जाता है और सामने बंदे जोन में सेफ रहते और वो हम लोग के ऊपर फायरिंग कर देते। तो दोस्तों एक बंदा मुझे फायरिंग कर देता है, मैं उसको गोली मार के अंदर भगा देता हूँ, लेकिन दोस्तों इतने में एक सांप उठ के मेरे ऊपर फायरिंग कर देता है, यहाँ पर मेरी पेटी बन जाती है। क्या बोले दोस्तों, भी जोन के वजह से मैं ठिल गया, नहीं तो दोस्तों इसका भी बंदे का खेल नहीं था। दोस्तों सीन कुछ ऐसे थे, जोन के अंदर भागना था लेकिन ये सांप मुझे यहाँ से डस लेता है। तो दोस्तों ठीक है, ये गेम प्ले आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और दोस्तों इंस्टाग्राम में चेकआउट करो और वीडियो शेयर करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।